हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बंधु हैंडक्राफ्ट। आज के वीडियो में हम 2 और 3 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस तैयार करेंगे। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ वेलवेट फैब्रिक का यूज़ किया हुआ है। 4 इंच लंबाई और 4 इंच चौड़ाई के हमने स्क्वायर पीसेस वेलवेट फैब्रिक के कट करके रखे हुए हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास के बेल आइकन को प्रेस करें और पे क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल और फेसबुक पेज पे भी मुझे फॉलो करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने वेलवेट के 4 इंच के लंबाई और चौड़ाई में स्क्वायर पीस कट करके रखे हुए हैं। इस तरह आप पलट के, सीधी साइड नीचे की ओर है, इस तरह आप पलट के रखें, इस तरह आप इसे फोल्ड करें। हमने यहाँ कुछ पीसेस तैयार करके रखे हुए हैं पहले से ही। अब हम एक बड़ी सुई लेंगे। यहाँ आप इस तरह मोटे ऊन को डाल लें। ये 4 प्लाई की ऊन है। पेटल्स की जो ओपन वाली पार्ट है, इसे आप नीचे की ओर रखें। की जो टोटल लंबाई है
यहाँ 4.5 इंच आई हुई है। ये हम 2 और 3 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए तैयार कर रहे हैं। आप यहाँ एक नॉट लगा लें। हमने यहाँ उल लिया हुआ है। हमने यहाँ 12 नंबर ऑफ वाइट मोती यूज़ करना है। हमने यहाँ नॉट लगा लिया है। फर्स्ट पेटल में आप इस तरह डाल के नॉट को यहाँ छुपा दें, 12 नंबर ऑफ वाइट मोती को। यहाँ फर्स्ट पेटल में डाल के नॉट लगा लें। यहाँ पीछे की ओर नॉट लगा के कट कर लें। घेर बन के तैयार हो गई है। अब हम चोली बनाएंगे। घेर में टोटल 20 पेटल्स हमने लगाए हुए हैं। चोली के लिए हमने एक वेलवेट फैब्रिक में हमने कट किया हुआ है। इसकी चौड़ाई 1.5 इंच है। की तरह बांध दें। ये फ्लावर पैटर्न ड्रेस बन के तैयार हो गई है। ये 2 और 3 नंबर लड्डू गोपाल जी को आप आसानी से पहना सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा गाइस, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पास के बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल और फेसबुक पेज पे भी मुझे फॉलो करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।